नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पहले नजर। हमारे साथ इस वक्त ईशु हिरावत जी हैं, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल में सेकंड रनअप का खिताब अपने नाम किया। मैम, जब सबसे बड़ी सवाल यहां पर ये आती है कि जब कंपटीशन चल रहा था तो हम लोगों ने आपको भी जब देखा तो मन में एक इच्छा थी कि आप टॉप फोर तक जाएँ और आप वहाँ तक पहुँची। हमारे दर्शकों को बताएँ कि कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, कभी ये सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि शादी होने के 20 साल बाद किसी कंपटीशन में, वो भी ग्लैमर वर्ल्ड जाना हमारे समाज में बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इसकी ज़्यादा खुशी है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अच्छा मैम, जब शादी हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर लड़कियों का करियर जो है वो तुम अब चूल्हा चौका देखो, या फिर अगर वो थोड़ा सा पढ़ी लिखी है कहीं नौकरी करना चाहती है तो चलो ठीक है नौकरी, लेकिन ग्लैमर में फिर से वापसी करना और वहाँ पर किसी इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेना और भाग लेने के बाद उसमें सेकंड रनअप तक जाना, ये तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। कैसे देखती हैं आप? मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं मेरे जैसी और हाउसवाइफ जिनके सपने कहीं दबे दफने रह गए, उनको इंस्पायर कर सकूँ और उन्हें बता सकूँ कि एज इज़ नॉट अ लिमिट। आप जब चाहो जैसे चाहो अपने सपनों को जी सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर सकते तो जीने का मकसद ही नहीं है। मैम, एक महिला घर को कैसे संभालेगी और ग्लैमर में जब वो प्रवेश कर रही है शादी के बाद तो कैसा मतलब फील होता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए आप। मुझे लगता है हम घर पे भी बहुत ग्लैमरस ही होते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि चूल्हा चौका संभालते हुए मेरा ग्लैमर कम हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी आपके मन में जो आप सोचोगे आप वही दिखोगे। अगर आप अंदर से सोच रहे हो मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ग्लैमरस हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर कर सकोगे। घर और बाहर मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा दोस्तों, मैं ईशु हिरावत जी को उनके हाथ एक बार बोलूँगा ऐसे दिखाए कि महिलाएं लड़कियां कहती हैं कि भाई काम करने में मेरे हाथ जो है वो ख़राब हो रहे हैं, ऐसा कोई बात है क्या मैम? काम घर के काम करने से, चूल्हा चौका करने से या बर्तन मांजने से क्या हाथ घिसते हैं या नाखून ख़राब होती है, क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है ये एक्सपीरियंस्ड है और ये एक्सपीरियंस्ड हाथ है और ये मेरा 20 साल शादीशुदा एक्सपीरियंस ही है जो मुझे इस खिताब तक लेके आया। हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिलता है इस कामों में? हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे। मैंने ये डिसीजन तब लिया जब मेरे फादर लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम में जाना चाहती थी पैजेंट्स में, मुझे पारिवारिक साथ नहीं मिला था। तो लास्ट 2-3 साल से मेरे फादर को लगता था कि उन्हें मुझे जाने देना चाहिए था। तो उनके जाने के बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया तो उन्होंने कहा अब ये सपना तुम्हें ज़रूर पूरा करना है, और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और उन महिलाओं को बोलिए जो सोच रही हैं कि भाई शादी के बाद उनका करियर ख़त्म हो गया या फिर ग्लैमर वर्ल्ड में वो दोबारा कभी आजमा नहीं सकती अपना हाथ, उन महिलाओं को बोलिए, युवा शक्ति देख रही हैं उनको थोड़ा कुछ बोलिए। जीने के लिए तमन्ना होनी चाहिए, आकांक्षाएं होनी चाहिए, अगर वो आपके अंदर आज भी है तो उन्हें जगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ सकेंगी जब आप पहले सबसे पहले खुद से लड़ेंगी। हम महिलाओं की लड़ाई सबसे पहले खुद से होती है। अगर आप अपने आप से जीत सकेंगी तो आप दुनिया भी जीती जाएंगी, और हमें दुनिया जीतने का पूरा हक है क्योंकि हम ग्लैमर ही है, हर वुमेन ग्लैमर ही है। चलिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।